हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम डिजाइन में करियर कैसे स्टार्ट करें। कई लोगों को मैं देखता हूं, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। उन्होंने बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, आईटीआई कर रखा है, बीई कर रखा है। वो देखते हैं ओपनिंग के लिए, जब सर्च करते हैं जॉब डिजाइनिंग में, तो उनको एक ड्राफ्टमैन की जॉब मिलती है। और कई लोग सोचते हैं कि मैं ड्राफ्टमैन की जॉब कैसे करूं, मैंने तो बीई और बीटेक किया है। तो मैं आपको एक चीज आज बताना चाहता हूं कि प्लीज अपना करियर स्टार्ट करने में देर मत करो। व्हाई? बिकॉज एक ड्राफ्टमैन ही आगे जाके एक डिजाइन इंजीनियर बनता है। इवन एक ड्राफ्टमैन से बना हुआ डिजाइन इंजीनियर वो सबसे अच्छा डिजाइन इंजीनियर होता है। व्हाई? बिकॉज ड्राफ्टमैन नो एवरी डिटेलिंग्स। एवरी डिटेलिंग के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी होती है एक ड्राफ्टमैन के पास। अब कंफ्यूजन ये होता है दोस्तों, आप ये सोचते हो कि मैं स्टेट प्रो पे काम कैसे करूंगा, मेरा एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। तो आप बिल्कुल भी गलत सोचते हो। गलत क्यों सोचते हो? क्यों? क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूं, मैं एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर, मैं पहले एक ड्राफ्टमैन था। हमारा एक एक्सपीरियंस, जो भी ड्राफ्टमैन का एक्सपीरियंस था, वो हमारे करियर में जुड़ता है। सो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि ऑटोकैड का एक्सपीरियंस स्टेट प्रो पे काउंट नहीं होगा। होगा। ड्राफ्टमैन की भी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, उनको आप क्लियर अभी समझ लेंगे इस वीडियो में, फिर आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ये वाला ड्राफ्टमैन जो होता है, इसका एक्सपीरियंस यहाँ काउंट होता है। तो वही आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं ये भी बताऊंगा कि ड्राफ्टमैन की जॉब के लिए प्रिपरेशन कैसे कैसे करें, क्या क्या पढ़ाई करें। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले दोस्तों, आप जब ऑटोकैड के लिए आप नौकरी.com पे या इंडीड पे या कहीं पे भी, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, कहीं पे भी आप ओपनिंग देखते हो, ओपनिंग देखने के बाद आप देखते हो कि वहां पे ऑटोकैड की ओपनिंग है और वहां लिखा हुआ है ड्राफ्टमैन। तो देखना, दो तरह के ड्राफ्टमैन होते हैं हमेशा, एक होता है आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन, एक होता है स्ट्रक्चरल ड्राफ्टमैन। आप बोलोगे सर डिफरेंस क्या है? तो मेरे भाई, आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन मीन्स जो प्लानिंग करता है, जो एलिवेशन बनाता है, जो सेक्शन बनाता है, जो अच्छे अच्छे ऑब्जेक्ट की ड्राइंग करता है, मींस चेयर है, टेबल है, या कुछ भी ड्राफ्ट करना हुआ, उसको जो ड्राफ्ट करता है, दैट इज आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन। सेकंड होता है स्ट्रक्चरल ड्राफ्टमैन। दोस्तों, स्ट्रक्चरल ड्राफ्टमैन का क्या काम होता है, उससे क्या कंपनी एक्सपेक्ट करती है, एक स्ट्रक्चरल ड्राफ्टमैन से पूछा जाता है डिटेलिंग कैसे करेंगे, किस चीज की डिटेलिंग, बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग, स्टेयरकेस, रिटेनिंग वॉल की डिटेलिंग कैसे करेंगे, उसमें रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि स्ट्रक्चर ड्राफ्टमैन को क्या क्या पढ़ना चाहिए। डिटेलिंग कैसे करेंगे, डिटेलिंग में बीम की डिटेलिंग, कॉलम की डिटेलिंग, फुटिंग की डिटेलिंग, स्लैब की डिटेलिंग, रिटेनिंग वॉल की डिटेलिंग कैसे करेंगे। डिटेलिंग में क्या किया जाता है, उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि अभी एक कंपनी में पूछा गया था कि एक कैंटिलीवर बीम है, उसमें रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, अगर उस पर पॉइंट लोड लग रहा है तो उस पर रेनफोर्समेंट किधर से प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह के, तरह तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एज अ स्ट्रक्चरल ड्राफ्टमैन। और मैं आपको बता दूं, एक स्ट्रक्चरल ड्राफ्टमैन को बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी होती है। जैसे उसे पता होता है कि कॉलम में कवर कितना देंगे, 40 mm, हाँ जी 40 mm। उसे पता होता है कि बीम में कवर कितना देंगे, 25 mm, हाँ जी 25 mm। उसे पता होता है स्लैब में कवर कितना देंगे, 15-20 mm, मीन्स उसको कवर की पूरी जानकारी हो जाती है। उसे पता है इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, उसे पता है क्लियर कवर क्या होता है, उसे पता है नॉमिनल कवर क्या होता है। एक स्ट्रक्चरल ड्राफ्टमैन को हर एक चीज के बारे में पता चल जाता है। अब आप ही सोचो, जिसको स्ट्रक्चर की ड्राफ्टिंग करनी आती है, उसको क्या, उसका एक्सपीरियंस क्या डिजाइन इंजीनियर, स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर के लिए एक्सपीरियंस माना नहीं जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। इसलिए अगर आपको स्ट्रक्चरल ड्राफ्टमैन की जॉब मिल रही है, जिसमें हर एक चीज की डिटेलिंग करने का आपको मौका मिल रहा है, तो डेफिनेटली उसको आप ज्वाइन करिए। हाँ, जब आप उसको ज्वाइन करने के लिए, इंटरव्यू के लिए आप जब जा रहे हैं, तो क्या क्या प्रिपेयर करना है, इसको ध्यान में रखिए। उस टाइम में प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ टूल्स ऑटोकैड के पता होने चाहिए। कौन कौन से? लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल, और डायमेंशन में क्विक डायमेंशन, और उसके बाद आपको ऑब्लिक्यू कमांड का यूज, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थो कमांड का यूज क्या होता है, पोलर ट्रैकिंग का यूज क्या होता है, डायमेंशन कैसे देते हैं एग्जैक्टली, इसके बारे में फुल डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ, जैसे मैंने अभी अभी बताया, स्लैब, बीम, फुटिंग
कॉलम, रिटेनिंग वॉल, इन सब और शेयर वॉल सबका डिटेलिंग की प्रैक्टिस कर लो। आपको ऑटो कैड में बहुत ढेर सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो इनके डिटेलिंग बताते हैं। मैंने भी स्टार्ट किया है, मैंने सारा लेआउट का बताया हुआ है, लेआउट के बारे में कैसे लेआउट ड्रॉ करेंगे उसके बारे में परफेक्ट बताया है, प्लानिंग कैसे करेंगे। इवन आप मेरे ट्यूटोरियल्स देखोगे तो आपको ऑटो कैड में काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैक्सिमम टॉपिक मैंने कवर किया है, आगे भी हमारी यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर कर दिया जाए, जिससे कि एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट अच्छे से उसको अगर सारी वीडियोस को देख ले तो उसका इंटरव्यू क्रैक हो जाए। तो अगर आप डिप्लोमा वाले हैं या आईटीआई वाले हैं या आप बी या बीटेक किए हैं, डेफिनेटली आप अगर अच्छे से पढ़ते हो स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट आप बन जाओगे। और इसके बाद अगर आपने अच्छे से अपनी एक्सपीरियंस को आगे की ओर बढ़ाया, मीन्स आगे आपने स्टैट प्रो या ईटीएफ सीखा, तो डेफिनेटली आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर भी बन जाओगे। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब चलिए बात करते हैं आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट की। आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट का काम क्या होता है दोस्तों? आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट सबसे अच्छे अच्छे एलिवेशन बनाता है। क्या करता है? अच्छे अच्छे एलिवेशन, मीन्स उस एलिवेशन को देख के ही पता चल जाए कि घर कैसा दिखेगा। अच्छे से सेक्शन की डिटेलिंग देता है कि इस तरीके से सेक्शन, यहाँ स्लैब है, यहाँ पे पैरापेट वॉल है, यहाँ पे वॉल है, यहाँ पे डोर है, यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे जीएल है, यहाँ पे पीएल है। ये सारी चीजें कौन देता है? एक आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट देता है। वो देता है कि प्लानिंग कैसे करते हैं, रूम यहाँ रखेंगे, अच्छा इस डायरेक्शन में, वास्तु का ध्यान रखता है। मैंने एक वीडियो बताया हुआ है कि वास्तु का प्लान वो ध्यान रखते हुए प्लानिंग कैसे करते हैं, तो प्लीज उसको आप देख लीजिएगा। आई बटन पे मैं वहाँ पे आपको लिंक दे दे रहा हूँ वास्तु के बट उसका, तो आप अच्छे से उसको देख के सीख लीजिएगा। तो उसको पता होता है कि वास्तु कैसे देते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग प्लानिंग कैसे करते हैं। और उसने अगर मास्टर बेडरूम दिया तो उसमें बेड लगाएगा, बाथरूम लगाएगा, हर एक इक्विपमेंट लगा के आपको बाहर से ही प्लान देख के समझ में आ जाएगा कि ये मास्टर बेडरूम है, ये किचन है, ये ड्राइंग रूम है, या ये कुछ भी जो भी आपका एलिवेशन वहां पे दिया हुआ है। उसके साथ ही साथ एक आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट ब्लॉक्स भी बहुत अच्छे अच्छे बनाता है, डायनेमिक ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक। इंटरव्यू में पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक ब्लॉक एंड डायनेमिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक को हम चेंज नहीं कर सकते, बट डायनेमिक ब्लॉक को हम चेंज कर सकते हैं, उसको एक के बाद दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो उसको ब्लॉक के बारे में पता होना चाहिए, लेयर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। लेयर्स के बाद उनको पता होना चाहिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, कोई एक बुक है वो बुक एक टेबल के ऊपर रखी हुई उसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कैसे करेंगे। ये सारी चीजें किसके अंदर में आती है? आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट की बात में आएंगे। आप बोलोगे सर एक स्ट्रक्चर ड्राफ्टमैन तो स्टैट प्रो सीख के स्ट्रक्चर इंजीनियर बन रहा है, तो ये क्या आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन क्या केवल आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन ही रह जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर उसने ऑटोकैड के बाद रेविट या स्केचअप अच्छे से सीख लिया, या 3ds Max, कोई भी एक रेविट, स्केचअप या 3ds Max, उसे स्केचअप इज बेस्ट, तो अगर इनमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर वो सीख लेता है तो वो नेक्स्ट उसका जो नंबर आएगा वो एक 3D मॉड्यूलर या डिजाइन इंजीनियर की जॉब उसको मिलेगी। उसको क्या मिलेगा? एक 3D मॉड्यूलर या 3D डिजाइन इंजीनियर की जॉब मिलेगी। तो वो भी एक डिजाइन इंजीनियर बन रहा है, वो आर्किटेक्चर व्यू से बन रहा है, और ये किसे बन रहा है? स्ट्रक्चर व्यू से बन रहा है। तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, आप क्लियर करो कि आपको फ्यूचर आर्किटेक्चर में बनाना है कि स्ट्रक्चर में बनाना है। अगर आर्किटेक्चर में बनाना है तो आप इसको फॉलो करो, स्लैब, बीम, फुटिंग वगैरह को मत करो, आप सिर्फ सिर्फ प्लानिंग को करो। प्लानिंग के साथ सेक्शन, एलिवेशन, ऑब्जेक्ट बनाना सीखो। अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो नीचे कमेंट करना, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं वर्कबुक दे दूंगा, और वहां पे वर्कबुक लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। हमारी खुद की वर्कबुक बनी हुई है, तो उस वर्कबुक के थ्रू मैंने उसको खुद से डिजाइन किया है। उतने डायग्राम अगर आपने बना लिए तो आपको आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन की जॉब आराम से क्रैक कर लोगे। तो सबसे पहले जब आपको ओपनिंग मिली तो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, जिसको JD बोलते हैं उसको देखिए, उनमें उनको क्या चाहिए, जो चाहिए उसके हिसाब से प्रिपेयर करो। उसके हिसाब से गूगल पे, यूट्यूब पे आप सर्च करो कि मुझे क्या क्या चीजें पढ़, कहाँ से पढ़ सकता हूँ मैं। मैक्सिमम चीजें मैंने अपने चैनल पे कवर कर दी है, तो ड्राफ्टमैन को या डिजाइन इंजीनियर को या स्ट्रक्चर इंजीनियर को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। आई थिंक ये चैनल आपको सब कुछ दे देगा। जो चीजें आपको और भी चाहिए और आपको लगता है कि मुझे नहीं आता, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि सर ये टॉपिक मुझे चाहिए, डेफिनेटली मैं उस टॉपिक के बारे में जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा और वीडियो बनाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, इसमें अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज इसको शेयर बटन पे क्लिक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और इतना शेयर करिए कि मैं और मोटिवेट होकर और भी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँ और भी ज्यादा वीडियोज बनाऊ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज। जय हिंद, जय भारत।